नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 पार्ट 7 लेके आया हूँ, घातांक और करणीय लघु उत्तरी प्रश्न में करा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 5 और 6 में मैं घातांक करणीय के क्वेश्चन करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ में, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बस शर्त यही है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आप खुद भी करिए और नोट्स बनाते चलिए, और जितनी बार आप इन क्वेश्चन को करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, रूट में 4/3 माइनस रूट में 3/4 का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए करनी जो लगी है ना, वो दोनों के ऊपर लगी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट फोर, और यहाँ पे भी रूट थ्री ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे यहाँ पे देखो रूट थ्री और यहाँ पे रूट में फोर लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो रूट थ्री इंटू रूट फोर आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए रूट थ्री से रूट थ्री में जब हम भाग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पर रह गया जाएगा रूट फोर, और रूट फोर की मल्टीप्लाई रूट फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ रूट फोर इंटू रूट फोर माइनस। अब देखिए रूट फोर से डिवाइड करेंगे इसमें तो रूट फोर कट जाएगा, तो बचेगा आपका रूट थ्री, तो रूट थ्री की मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री से। अब देखते हैं, अब याद रखना, देखो यहाँ मैं कुछ बता देता हूँ आपको। रूट फोर इंटू रूट फोर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा फोर ही आएगा। ऐसे देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर थ्री आएगा। ऐसा क्यों आता है, चलिए वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए फोर इंटू फोर, अब फोर फोर जा कितना होता है 16, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 16। अब देखिए हमें पता है इस करनी का मतलब क्या होता है स्क्वायर, ऐसे भी तो देखिए 16 का हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे मत लिखो चलो। तो हमें पता है 16 का जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर करनी, तो इस 2 से ही करनी कट जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। ऐसे देखिए 3 रूट रूट 3, अब 3 3 जा क्या होता है 9, तो करनी में 9 आ जाएगा, तो करनी में 9 आ गया ना आपका। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और करनी, तो इस स्क्वायर से करनी कट जाएगी, तो आपका जो 9 है 9 जो किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आपका 3 ऐसे आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रूट 4 इंटू रूट 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4 इंटू करनी में 3 दिया इंटू करनी में 3, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉरी यहाँ माइनस है तो 3 आ जाएगा, और नीचे आपका रूट 3 इंटू रूट 4 आ जाएगा। तो बस आप देखिए 4 माइनस 3 तो आपका आ जाएगा 1। अब देखिए रूट 3 इंटू रूट 4, हमें पता है रूट 3 का मान तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन रूट 4 का मान तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 का ही वर्गमूल होता है। तो बस आपका आंसर यही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो इसको चाहे ऐसे लिख लो तो 2 रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो इसकी पावर लगी हुई है ये, और इसके ऊपर ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर लगी ये, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट है उसकी पावर लगी ये, मतलब मंझला ब्रैकेट उसकी घात लगी, तो कैसे करेंगे। तो मैंने रूल बताया था ना, जब भी घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा गुणा हो जाती है, तो 1/2 तो ऐसे ही आएगा। अब देखिए ऊपर है 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए माइनस में घात है, सॉरी ये माइनस में, ठीक है माइनस 2 इंटू माइनस 2, सॉरी ये प्लस में ही है यहाँ पे इंटू माइनस 1। अब देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जाएगा माइनस 1/2, तो ऊपर हो जाएगा 2 2 4, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब 1 का वही रहेगा 2 की पावर, आप 4 लगा लीजिए यहाँ पे, बस आपका सॉल्व हो गया। देखिए 1 का 1 की पावर चाहे यहाँ लगा लो 4, चाहे सबके देखो 1 की 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू चाहे 4 बार लिखोगे सॉरी, तो आपका 1 ही आएगा ना, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो ऊपर आपका तो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 16 आएगा, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस तो रह गया था ना, तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1/16 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। 1/2 की पावर माइनस 1/2 किसके बराबर होगी, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो हमेशा क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आपका 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 2 ही तो रह जाएगा, और उसकी पावर काय की हो जाएगी ये 1/2 प्लस में हो जाएगी, बस इतना ही करना है, बस घात जो है ना माइनस में थी तो वो आपकी प्लस में हो जाएगी। अब देखो इस 1, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर करनी दे रखी तो उसका मान 1/2 होता है, अगर इस करनी को मैं यहाँ चढ़ा दूँ तो 2 ही तो होगा, यहाँ पे दिया हो चाहे ना दिया हो, तो इस 1/2 को
मैं यहाँ पे ऐसे करके करनी में लिख सकता हूँ ना ऐसे करके, तो बस सॉल्व हो गया, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए करनी में 4 की पावर x इक्वल टू 1024 है, एक्स का मान बताना है। तो देखिए कैसे इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, चलिए मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारा 2 का स्क्वायर बनना है, तो देखिए करनी में लिख लीजिए 2 की पावर 2 और उसकी पावर तो एक्स है ही, इक्वल टू 1024। अब कैसे करें, अब देखो घात के ऊपर घात है ना, तो गुणा हो जाएगी ना यहाँ पे, तो रूट तो ऐसे ही हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1024। अब देखिए जब घात के ऊपर घात हो गई तो इसका मतलब अब कैसे करें, तो इसको भी घात में ही बनाना पड़ेगा, तो बेस यहाँ पे 2 है तो आप इसको 2 बना लीजिए। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 2x, अब इसको जब तोड़ेंगे तो 2 की पावर कितनी बनेगी, तो 2 की पावर ये 10 बनेगी, कितनी बनेगी 10। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो कैसे करेंगे, अब इसका देखो यहाँ पे करनी भी तो है लेकिन बेस तो सेम आ गया, लेकिन इस करनी का क्या करें, तो करनी का मतलब अभी मैंने बताया था ना, इस करनी का मतलब होता है 1/2। तो मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूँ 2x, और करनी को मैं ऊपर में 1/2 लिख सकता हूँ ना ऐसे करके, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका हो गया यहाँ पे 2 और ऊपर आपका बचा सिर्फ x इक्वल टू 2 की पावर 10। तो देखिए जब भी बेस सेम होते हैं तो उनकी घातें भी सेम हो जाती, तो ये कैंसिल हो गया आपका 2 से 2, तो आपका जो बच गया है x की पावर कितनी हो गई 10, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। देखिए रूट में 4x इक्वल टू 1024, आपको अगर ये तरीका पसंद है आप इससे कर लीजिए, अगर ये तरीका पसंद नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 4x ऐसी लिख लीजिए और 1024 ऐसी, अब इस करनी को जब हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो स्क्वायर में हो जाता है, बस इतना याद रखना इस करनी का मतलब स्क्वायर में हो जाता है। देखिए तो 4x इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1024 इंटू 1024, 2 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए इसको 2 की पावर में तोड़ना है, तो 2 की पावर 2 उसकी पावर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ना एक, अब इसको भी मैंने बताया था ना 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 10, और इसको भी मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 आ गया, यहाँ पे बेस 2 आ गया, और यहाँ पे भी बेस 2 आ गया, तो देखिए इस घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा इक्वल। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती है तब जब इन दोनों के बेस सेम होते, तो 2 का 2 आ जाएगा और 10 × 10 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो बेस से बेस क्या हो गया आपकी तुलना कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचा 2x = 20। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उधर हो गया 20, अब ये गुणा की चीज़ उधर बराबर में काय में चली जाएगी भाग में, तो देखिए काट लीजिए 2 × 10 = 20, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखिए यहाँ पे भी 10 आई और यहाँ पे भी 10, आप चाहे ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करनी में 2 दे रखा है, करनी में 3 की घात 3 दे रखा है, करनी में 4 की घात 4 दे रखा है, इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसको करने का तरीका देखते हैं। तो देखो जब भी मैंने बताया था ना करनी सिर्फ दिया होगा तो इसका मतलब होता है 1/2। अब देखिए एक करनी में 3 दिया ना, तो उसको 3 लिख लीजिए, इस करनी का मतलब होता है 1/3। अब देखिए 4 ऐसी लिख लीजिए, इस करनी का मतलब होता है 1/4, जितनी घात दे रखी होगी बस उतनी ही इसकी भी पावर लग जाती है। अब देखिए क्या करें, 1/2, 1/3, 1/4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम जब लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, आप कैंसिल कर लो, 2, 6 = 12, 3, 4 = 12, 4, 3 = 12, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, और ये हो गया आपका 4 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर जब 6 को आप तोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, ऐसे 3 की पावर जब तोड़ेंगे तो आपका 81 आ जाएगा, और 4 की पावर 3 का मतलब 4 का 3, तो आपका ये आ जाएगा 64। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 81 आई है, तो आप कह सकते हैं कि √3, यही क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए करनी में 3 की पावर n इक्वल टू 81 हो तो n का मान बताना है, तो देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 3 की पावर n
और इक्वल टू 81 और करनी में दे रखा है, तो इसको करने के भी दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो कैसे करते हैं देखो, इस करनी का मतलब होता है 1/2, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n की पावर n और उसकी पावर 1/2 इक्वल टू 81। अब घात के ऊपर घात है ना, इसको मैं ब्रैकेट में भी तो ऐसे लिख सकता था ना, अब घात के ऊपर घात है तो इसकी गुणा कर दो, तो n की गुणा जब 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही आएगा, इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखो ये यहाँ पे 3 है बेस, तो इसको भी बेस में 3 बना लो, तो 3n/2, अभी कितनी बार टूटेगा, तो देखिए 3 की पावर 4 में टूटेगा, अभी मैंने निकाला था ना यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 होता है 81। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों का बेस सेम आ गया, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पे 1/2 और 4, तो देखिए कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n इक्वल टू 2 4 8, तो आपके n की वैल्यू कितनी आ गई 8। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3 की पावर n इक्वल टू 81, तो मैंने अभी बताया था ना, इस अंडर रूट को हम उधर फेंक देंगे तो 3n81 इंटू, इसको स्क्वायर कर दो ऐसे करके डायरेक्ट, मतलब जब भी 3 की पावर n यहाँ पर रूट होगा, रूट को जब उधर फेंकते हैं तो स्क्वायर में चढ़ जाता है, तो 3n इक्वल टू 81 इंटू 81 लिख सकते हैं, 3 की पावर n, अब देखो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, अब देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बेस सेम आ गया ना 3n, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का जब बेस सेम है तो भाई गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, अब देखिए बेस सेम है ना, तो बेस से बेस क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बचा n इक्वल टू 8, तो बस यही क्या होगा आपका, देखिए 8 यहाँ पे भी आया, 8 आपका यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, तो इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, तो आप पहले एक तरीका सीख लीजिए, जो कि कैसे करेंगे, तो देखिए डिवाइड में है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर m और उसकी पावर 2, और नीचे लिख सकता हूँ 3 की पावर m और उसकी पावर 2, तो मतलब ये इसकी मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा m और 2 की, तो आप 2m भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो 2m, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ऊपर देखिए इसकी क्या घात दे रखी है 1/m, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाग में घाते घट जाती तब जब इनका बेस सेम होता है, तो देखिए दोनों का बेस सेम है ना यहाँ पे, तो घाते घटा देंगे, तो देखिए 3 का 3 आ जाएगा और m स्क्वायर माइनस 2m ऐसे आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी दे रखी 1/m और इक्वल टू 81, यहाँ पे ये चल रहा है 81। अब देखिए अब इसकी घात ये है और यहाँ पे माइनस इसकी घात ये है, तो दोनों को ब्रैकेट खोल लो, तो 3m² × 1/m ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस फिर इसकी गुणा ऐसे कर देंगे, तो 2m × 1/m इसको ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 81। अब कैसे सॉल्व करें देखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे 2m है ना, तो 1m से m कट जाएगा तो बचेगा 3m, माइनस यहाँ भी m से m कट जाएगा तो सिर्फ आपका बचेगा 2 इक्वल टू 81। अब देखिए 3 की पावर m - 2, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 बन जाएगा, अब दोनों का बेस सेम आ गया ना, जब बेस सेम आ जाता है तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं जब बेस सेम हो गया तो बस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा m - 2 = 4, अब देखिए m यही रहेगा 4 यहीं रहेगा और माइनस की चीज़ जब बराबर में उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में 6 दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या कह रहा है, 0.6 की पावर 4 × 0.36 की पावर 2 × 0.216 = 0.6 की पावर x, तो x का मान आपको बताना है, तो देखिए 0.6 की पावर 4 × अब हमें पता है 36 जो होता है वो 6 का क्या होता है स्क्वायर होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे देखिए 0.216 किसका स्क्वायर होता है, तो हमको पता है ये 6 का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसे करके इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 0.6 की पावर x। अब देखिए यहाँ पे भी 0.6, यहाँ भी 0.6 और यहाँ भी 0.6 और यहाँ भी, बेस हमने सेम कर लिया, तो बेस हमने क्या कर लिया सेम, लेकिन अभी यहाँ पे पावर के ऊपर पावर भी तो रह गई, तो भले इसको खोल ले रहे हैं 0.6 की पावर 4 × 0.6, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे,
इंटू 0.6 की घात 3 लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0.6 की पावर एक्स। अब देखिए तो हमने दोनों का बेस क्या कर लिया, सेम कर लिया सबका। बस थोड़ा आज गला ख़राब है बच्चों, मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकले, मैंने बैठ रही है, मेरी आवाज़ निकल नहीं रही गले से, प्लीज़ आप कॉपरेट कीजिए मेरे को, थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को गले में। चलिए देखते हैं, तो 0.6 की पावर 4, 0.6 की पावर 4 और 0.6 की पावर 3, देखिए तीनों का बेस सेम है ना, तो मैंने क्या बताया था, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 4 और 4 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11, गुणा में घाते जुड़ जाती है, इक्वल टू 0.6 की पावर x। अब देखिए दोनों के बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके x की वैल्यू 11, यही आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है, तो 0.0032 की पावर 0.6 का आपको मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के लिए कुछ भी नहीं, देखो आसान तरीका यही है कि यहाँ से पॉइंट हटा लो और नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 बढ़ा लो, तो उसको करने के लिए देखो अब इस 0 से 2 में कोई मतलब नहीं है, अब 32 के जब फैक्टर करेंगे तो आपका जो आएगा 2 की पावर 5 में आ जाएगा, ऐसी जब 10 इसके जब 10 के फैक्टर बनाएंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगी और उसकी पावर दे रखी है हमें 0.6। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, इसको और कैंसिल कर लीजिए, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो आपका बचा 2 की पावर 5, 10 की पावर 5 और उसकी पावर 3/5। अब देखिए घात के ऊपर घात क्या होती है, हमेशा गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 5 × 3/5, 2 की पावर 5 और इसकी मैंने इससे क्या कर दी, गुणा कर दी। अब नीचे भी देखिए 10 की पावर 5 और उसकी पावर लगी है 3/5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 और नीचे रह गया आपका 10 की पावर 3, 2 का क्यूब होता है 8 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए यहाँ से 3 0 हटा लीजिए और 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 0.008, उसके पीछे आप कितने भी 0 बढ़ा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है, 3 के बाद पॉइंट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। आज मेरा गला बैठा हुआ, मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 64 की पावर 4 × 8 की पावर 4.3 इक्वल 8 की पावर x, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए हमें पता है ये 8 का स्क्वायर होता है, ऐसे बना सकते, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा 3.1 × 8 की पावर 4.3 × 8 की पावर x। अब देखिए घात के ऊपर घात क्या हो जाती है, गुणा, तो देखिए 2 3 या 6 और 2 1 या 2, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 4.3 और इक्वल 8 की पावर x। अब दोनों के बेस सेम है ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 3 हो जाएगा 5 और 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, इक्वल टू 8 की पावर x। अब दोनों के देखिए बेस सेम है तो तुलना कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर ऊपर रह गया हमारे पास 10 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू।